हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, एलजेब्रा के पहले दो पेन फ्री हैबिट्स के सेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। जो बच्चे ये पहली बार सेशन देख रहे हैं वो पहले वो दो सेशन देखें, उसके बाद थर्ड सेशन पे आए, ठीक है? क्योंकि जैसे आप पिछले सेशन देखेंगे तब आपको पता लगेगा सारी चीज़ें कोरिलेटेड चल रही हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट सेशन में स्टार्ट किया था एलजेब्रा के, ठीक है, पेन फ्री का, आपको बताया गया था कि पेन फ्री आपको हैबिट किस तरीके से यूज़ करनी है, किस तरीके से आपसे ऑप्शन से काम करना है। अब देखिए, आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, आज के सेशन में हम कुछ एक स्पेशल चीज़ देखने वाले हैं। स्पेशल चीज़ वो ये होगी, देखिए लास्ट तक आपको देखना है एक एक चीज़, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि पेपर में जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो वो बेसिकली क्या है, उनके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। यानी आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 190 प्लस का टारगेट लेकर बैठे हैं, 200 नंबर का टारगेट लेकर बैठे हैं, पर उनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो चेंजेस के लिए तैयार हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम घर से पढ़ के जाते हैं या डेली रूटीन में हम देखते हैं, बुक्स वगैरह में, नोट्स में, टेस्ट सीरीज़ में, उनसे कुछ हटके क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर और वो हमें अटका देता है और हमें लगता है कि मुश्किल क्वेश्चन है और इस कारण हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है या नंबर हमारे उतने नहीं आ पाते हैं और वो छूट जाता है क्वेश्चन। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको ये वेरिएशन ही दिखाऊंगा, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में वेरिएशन देखा था कि भाई ये क्वेश्चन अगर है तो ऐसा मत उम्मीद करिए जैसा आपने घर पे पढ़ा है, सेम टू सेम वैसे एग्जाम में मिलेगा। कुछ ना कुछ वेरिएशन एग्जामिनर जरूर देता है। तो आज के सेशन में हम ये सब वेरिएशन देखने वाले हैं उसी फॉर्मेशन के अंदर। आगे के सेशन में भी हम कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को और आपको ये दिखाया जाएगा जो 17 मेज का पेपर था उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरिएशन पे हैं, कॉन्सेप्ट वही है, और इन सभी वेरिएशन की तैयारी आपको पहले से करनी होती है। यानी वेरिएशन का मतलब जितना भी बदलाव आ सकता है उसी कॉन्सेप्ट के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जब आपको फॉर्मेशन पढ़ाई गई थी एक्स प्लस वन बाय एक्स की, ठीक है, इसमें दो वेरिएशन आपको बताई जा रही है। एक मैंने बताई थी आपको पावर के अंदर, दूसरी वेरिएशन हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। दो तरीके से वेरिएशन संभव है, जैसे कि आपको बताया गया था कि अभी तक आप अगर ये पढ़ के गए हैं सॉरी, तो जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू दे रखी हो सकता है आपको इसकी वैल्यू मिले, हो सकता है आपको इसकी वैल्यू मिले। मैंने बताया था फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये रूट में भी हो सकता है, ठीक है, ये सारे वेरिएशन। और मैंने बताया था कि ये हायर पावर में भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है लोअर पावर में भी हो सकता है, ठीक। ये जितनी भी चीजें थी ये सारा क्या है, वेरिएशन है, जो हम डेली रूटीन में नहीं करते हैं। डेली रूटीन में हम वही करते रहते हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब। तो मैंने पहले सेशन में बताया था आपको, पहले तो आपको ये केवल रिलेशन ध्यान रखने होते हैं, केवल पावर के हिसाब से फॉर्मूला नहीं याद करा जाता कभी। तो ये वेरिएशन था पावर के अंदर। आज की क्लास में, आज के सेशन में हम देखेंगे ओरिएंटेशन यानी स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशन कैसे कैसे संभव है। यानी इसको देखने के लिए मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा, पहले आपको वो ध्यान रखनी है, उसके बाद हम चीज़ों को देखना सीखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करनी है, फिर आगे के सेशंस में हम ये भी देखेंगे कि 17 मेंस 16 मेंस के अंदर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बड़े बड़े आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन केवल 5 सेकेंड का 4 सेकेंड का है अगर आपने पहले से वेरिएशन पर काम किया हुआ है। देखिए, जो बच्चा 190 या 200 नंबर का टारगेट बनाता है पेपर के अंदर कि भाई मेरे को 200 नंबर लाने हैं, तो मैं ये मानता हूँ उस बच्चे को हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। यानी जो भी चेंज पेपर में हो सकता है उसके हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी तक वही पढ़ रहे हैं जो पिछले सालों में आया हुआ या ऑलरेडी बुक में अवेलेबल है। आइए देखते हैं, देखिए चेंज किस किस तरीके से इसके अंदर हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक सी बात कहूँ, एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू फाइव, ये बेसिकली इसे हम बोल सकते हैं अपकमिंग या एक्सपेक्टेड चेंजेस। और ये इसलिए भी है क्योंकि इन पे बेस क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा, सब चेंजेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। पहला चेंज अगर मैं देखता हूं एक्स स्क्वायर, दूसरा चेंज मैं देखता हूं अगर
यानी एक ही चीज को अलग-अलग तरीके से लिखना। यानी देखिए, एक ही इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को मैंने पांच तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये पांच तरीके हैं। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में इन सब पे बेस क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इनको याद करने का तरीका मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। देखिए ये अगर है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो फॉर्मूला मिलेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स वाला, और वैल्यू मिलेगी क्या जो राइट साइड में एक्स के साथ है, यानी पाँच। दोबारा से सुनिए, प्लस के साइन का मतलब है वैल्यू मिलेगी एक्स प्लस वन बाई एक्स की, वैल्यू कितनी मिलेगी पाँच। तो ये चीज़ अब देख के आपको पता लगनी चाहिए सीधा कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक, इसी तरीके से मैं यहाँ देखता हूँ, प्लस का साइन है वन के साथ, तो मतलब वैल्यू मिलेगी एक्स प्लस वन बाई एक्स की। अगर यहाँ लेफ्ट साइड में आके माइनस है तो राइट साइड में आके प्लस पाँच। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसे गौर करके अपने दिमाग में नोट कर लेना है। देखिए दिमाग में नोट करी जाएगी चीज़, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं। जब हम आगे के सेशन देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, तो हम सीधा कहेंगे इसकी वैल्यू ये है, इसका आंसर ये आ गया। ऐसा नहीं है, उसके लिए रीअरेंज करेंगे, पहले लिखेंगे, वो सब काम हम यहीं पर ही करके चल रहे हैं। अगर यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, तो वैल्यू मिलेगी आपको प्लस वाली। अगर यहाँ साइन होता प्लस का तो वैल्यू मिलती माइनस वाली। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो वैल्यू मिलेगी प्लस वाली। अब इसी को आप अगर इस तरीके से लिखते हैं, एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस फाइव, अगर ये लिखा होता, ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलती है आपको, प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलती माइनस वाली, प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलती माइनस पाँच। इसी में और बदलाव हो जाता अगर ये लिखा होता एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो क्या होता, यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है तो वैल्यू मिलेगी प्लस वाली, वैल्यू मिलेगी माइनस पाँच, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाएगा। इसी में और बदलाव हो सकता है, या प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलेगी माइनस वाली, और वैल्यू कितनी मिलेगी प्लस का पाँच। तो एक ही चीज़ के अंदर अलग अलग वेरिएशन आपको मिल सकता है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं इसे, फिर आप इधर ले जा रहे हैं, फिर आप इधर ला रहे हैं, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऐसी है बेसिकली जो आप डेली लाइफ में नहीं पढ़ते हैं, ना क्लास में कोई आपको कराता है इस तरीके से कि भाई जो चेंज है। देखिए आप वो तो बहुत आराम से कर सकते हैं जो अभी तक आए, पर उसके लिए भी काम करना पड़ेगा जो एग्जाम में नया चेंज आपको मिलता है। जैसे आप 17 मेंस में देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चों को नए लगे, जब आप ये पूरा सेशन देख लेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि अगर हमने ये चेंज पे पहले से काम किया होता तो हमें एग्जाम में नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे मैं इधर देखता हूँ, राइट साइड में माइनस है तो वैल्यू मिलेगी प्लस वाली, माइनस वन है तो, यहाँ माइनस है तो वैल्यू मिलेगी प्लस पाँच। इसी के अंदर अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, इसके अंदर ये भी लिखा जा सकता है एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू माइनस वन, तो वैल्यू क्या मिलेगी प्लस वाली, वैल्यू कितनी मिलेगी इसका अपोजिट माइनस पाँच। इसका इस तरीके से ही बन सकता है, अगर ये प्लस का है तो वैल्यू मिलेगी माइनस वाली, ये माइनस का है तो वैल्यू मिलेगी प्लस पाँच। इसमें और वेरिएशन हो सकता है, अगर ये प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलेगी माइनस वाली, और वैल्यू मिलेगी माइनस पाँच। तो इसके लिए हम बार बार लिखेंगे नहीं, देखते ही तुरंत क्लिक करना है। सेम ये चीज़ यहाँ पर है, ये और ये एक जैसे ही है, राइट साइड में माइनस है तो वैल्यू मिलेगी प्लस वाली, और जो नंबर के साथ साइन है उसका अपोजिट साइन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं माइनस है तो मतलब एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी पाँच मिलेगी, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका फाइव हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड चेंजेस में आपको क्या क्या मिल सकता है, अब हम देखेंगे इसके अंदर वेरिएशन किस किस तरीके से मिलेगा। तो ये सारा एक्सपेक्टेड चेंजेस है, यानी जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको डायरेक्ट मिलती थी, जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट मिले, वो इनडायरेक्ट भी मिल सकती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आपको अगर मैं बोलता हूं, एक्स इंटू एक्स माइनस एम इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एम हो गई।
जब x प्लस वन बाय एक्स एम होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस टू, ये होता है। तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये अगर दे रखा है तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर एम है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एम स्क्वायर माइनस टू जो कि यहाँ आ जाएगा। अगर मैं एक्स क्यूब निकालता हूँ तो ये एम क्यूब माइनस थ्री एम इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहली फॉर्मेशन हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इस पे इस तरीके से ही मिले, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन दे रखा है आपको, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 23 होगा माइनस वन के बराबर, तो वही फॉर्मेशन है, एक्स प्लस वन बाय एक्स पाँच है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर 23 होगा, 23 यहाँ आ जाएगा, सीधा लिख सकते हैं। इसी में मैं आगे भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, अगर मैं x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 निकालता हूँ, क्योंकि ये प्लस वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ माइनस आएगी, और वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर माइनस दो, 23 का स्क्वायर 529 माइनस दो 527। तो इसके साथ मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब ये आ जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर 5 है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब 110 हो जाएगा। तो यानी एक इस फॉर्मेशन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही मैं अगले पे आता हूँ, अगली जो फॉर्मेशन है हमारी वो इस तरीके से है, एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस पी, इसका मतलब हो गया एक्स प्लस वन बाय एक्स आपका पी के बराबर होगा। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस टू के। एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, प्लस वन बाय एक्स क्यूब है इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है, अगर माइनस वन बाय एक्स क्यूब होता तो यहाँ प्लस आता, बराबर हो गया पी क्यूब माइनस थ्री पी के, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, ठीक है, ये लिखा है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 14, इसको देख के मैं ये तुरंत जानता हूँ, और इसको देख के मैं ये भी तुरंत जानता हूँ, ये 52 आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको अभी सिखाई जा रही हैं कि पेपर के अंदर आप स्टेप वाइज ना लिखें कि ऐसा पहली बार आप देख रहे हैं फिर आप रीअरेंज कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं इस टाइप की तो फॉर्मेशन ही नहीं पड़ी, उसे सॉल्व कर रहे हैं पहले और फिर आंसर निकाल लें, तुरंत देखना है, तुरंत आंसर करना है, ठीक है। ऐसी फॉर्मेशन पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसे पे भी मिल सकता है, और ये सब चीज़ें आपके मेंस के पेपर में आ चुकी हैं। आगे जा के जैसे जैसे हम सेशन आगे बढ़ाएंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें आपके कितनी काम की हैं, यानी ये सारी वो चेंजेस है जो हम डेली लाइफ में नहीं पढ़ते, डेली लाइफ में हम वो सिंपल फॉर्मूलाज में ही लगे रहते हैं। आइए अगले वेराइटी पे बढ़ते हैं, इसी के अंदर आपको इस तरीके से भी वेरिएशन मिल सकता है। एक्स माइनस टी इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स, इसी को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब माइनस थ्री टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था वो रिकॉल करना है, और बाकी सारी फॉर्मेशन इसी तरीके से रहेंगी। अगर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस फाइव इक्व टू माइनस वन अपॉन एक्स, हमसे बोल लिया गया एक्स स्क्वायर माइनस तेईस इक्व टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब एन क्यूब माइनस थ्री एन, ये आ जाएगा माइनस 140, ठीक है। माइनस 140 आएगा तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, क्योंकि वैल्यू अगर माइनस 140 होगी यहाँ प्लस का होगा तभी तो ये नेगेटिव की होगी। तो यानी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पर भी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी ऐसी मैं आगे देखता हूँ,
एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है, ये हो गया। या फिर आप ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू के एक्स, यानी एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू आपकी के हो जाएगी। एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू आपकी के हो गई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आपका के स्क्वायर माइनस टू। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब आपका के क्यूब माइनस थ्री के हो जाएगा। इसी का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू फोर एक्स, ये आपका लिखा है, तो ये देखते ही आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए एक्स की पावर फोर प्लस वन इक्वल टू फोर्टीन एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस टू, पावर दुगनी हो जाएगी तो एन स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। पावर अगर तीन गुना कर देता हूं मैं तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब इक्वल टू फिफ्टी टू, जिसको आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और वेरिएशन आपको मिल गया, यानी जो पहले आपको बताई गई पांच केस, उन पांच केस के हिसाब से ये वेरिएशन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन किस किस तरीके से बनेगा, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वाले पार्ट में अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल इस तरीके से लिखा है, एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब माइनस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जैसे कि आपको फॉर्मेशन डायरेक्ट बता दी गई है, और अगर आपको फॉर्मेशन नहीं पता है डायरेक्ट, आप सोचिए मैंने एक सेशन नहीं लिया और आपको क्वेश्चन करना है, बिना पेन का आंसर नहीं आएगा आपका इतनी आराम से। आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की वैल्यू दी गई है और किसकी पूछी है। वैसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, देखिए एक्स प्लस वन बाय एक्स, क्योंकि माइनस साइन है तो वैल्यू मिलेगी किसकी, प्लस वाली वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये माइनस है तो वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस फोर मिलेगी। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर फोर है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब आपका क्या होगा, फिफ्टी टू होगा, चार का क्यूब माइनस तीन इंटू चार, तो फिफ्टी टू आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और देख लेते हैं। अब देखिए आपने ये क्वेश्चन देख लिया, ये वही क्वेश्चन है मामूली सा, ये ठीक है, इसी को एग्जामिनर ने ऐसे घुमा दिया, और इसी को एग्जामिनर ऐसे भी घुमा सकता था, एक ही क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी, और इसी को एग्जामिनर और आगे घुमा सकता है, ये चौथा तरीका हो गया इसे घुमाने का। पांचवा तरीका अगर आप देखते हैं, ये पांचवा तरीका हो गया, देखिए क्वेश्चन एक ही है ये, पर हुआ क्या, हमने केवल इस पे ही काम किया हुआ है, हमने ये नहीं सोचा कि इसका अगर रीअरेंज करके कुछ फॉर्मेशन मिल जाए तो हम पेपर में कैसे करेंगे। और हालांकि हम एग्जाम में भी देख रहे हैं चीज, ये वेरिएशन आ रहा है एग्जाम में, इस टाइप का वेरिएशन पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 16 मेंस में भी है, 15 में भी, 17 में भी, मैं यहीं पर ही डिस्कस करूंगा सेशन के अंदर। अब इतना वेरिएशन तो हो ही गया सात के साथ, अब देखिए इसके अंदर वेरिएशन और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन दिया गया है, जरूरी नहीं है एग्जामिनर इसे इस तरीके से बनाए, हो सकता है उसने दे दिया एक्स की पावर 100 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 100 इक्वल टू 4, चलिए ये अभी भी देखने में आसानी लग रहा है, ठीक है, प्रिडिक्ट करना आसान है, एक का तीन गुना हो गया, सीधा वैल्यू निकाल लिया। अब ये वेरिएशन पावर वाला है, पावर और स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। पावर और स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, जैसे मैं इन सभी क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, अगर मैं देखता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर 100, ये सारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, देखिए
अब देखिए क्वेश्चन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, पर क्वेश्चन के अंदर क्या है, केवल वेरिएशन है, और वेरिएशन पहले से पकड़ा जाता है हमेशा कि आपने पावर का वेरिएशन भी कर रखा है और आपने ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चर का वेरिएशन भी कर रखा है। तो इन सभी वेरिएशन पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चेंजेस के लिए पहले से तैयार हैं, चाहे वो एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, पहले से तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, वैल्यू मिले, पावर का रिलेशन देखते हैं, दो गुना है केवल। ठीक है, एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 5, एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। तो माइनस से अगर प्लस में जाते हैं और पावर दो से गुणा हो जाती है, तो एन स्क्वायर प्लस टू कर देते हैं आप, तो एन स्क्वायर प्लस टू करेंगे 27 आपका सीधा आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझते हैं, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलेगी माइनस वाली, और वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस की जगह प्लस 5 हो जाएगा। निकालना क्या है, माइनस की जगह प्लस 600 प्लस 1/600, ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो पावर आप देखते हैं दो से गुणा हो गई, माइनस से प्लस में, एन स्क्वायर प्लस 2, 27 आंसर हो जाएगा। पर इतना नहीं लिखना है, सीधा देखना है और आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया अब आपको, अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात ये है, जैसे कि आपको बताया गया कि ऐसा हर बार नहीं होगा कि आप घर से x प्लस वन बाई एक्स पढ़ के जा रहे हैं, स्क्वायर पढ़ के जा रहे हैं, क्यूब, सीधा उसकी वैल्यू ही दे रखी होगी। सबसे पहली चीज आप रिलेशन ऑब्जर्व करते हैं दो का, यानी एक अगर पावर एक है तो दूसरी दो होगी, 7 से 14 हो रही है। ऊपर वाले पार्ट में अगर आप देखते हैं, वैल्यू मिलेगी माइनस वाली, एक्स 7 माइनस वन बाई एक्स की पावर 7 इक्वल टू माइनस 15, और ये आपको निकालना है एक्स की पावर 14 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 14। जब जेड प्लस 1 बाय जेड माइनस 15 है, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर आपको निकालना है, 15 का स्क्वायर प्लस 2, जो कि आपका 227 हो जाएगा। पर 227 जो आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बात को ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, काफी बच्चे 227 आंसर मार्क कर देंगे, पर आपको बताया गया अगर यहाँ प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलती है नेगेटिव की, पर यहां पर तो वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है, इसलिए यहां पर आपका माइनस 227 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी माइनस 227 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए ये दे रखा है आपको, अब इन सभी चीजों के अंदर ना मैंने क्या किया, मैंने पावर वेरिएशन भी इन्वॉल्व कर लिया और स्ट्रक्चर वेरिएशन भी इन्वॉल्व कर लिया, और आप देखेंगे एग्जाम के अंदर भी सेम इस टाइप का वेरिएशन, और मैं ये दिखाऊंगा 17 मेंस के अंदर कुछ क्वेश्चन जो आपको लगे इतने बड़े थे, वो ये सेशन पढ़ने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा कि सीधा आपके हिसाब से ही क्वेश्चन दिया गया है। अब आप देखते हैं पावर, आप देखते हैं 3 से गुणा हो रही है, एक्स की पावर 4, जेड की पावर 4 प्लस 1 बाय जेड की पावर 4 की वैल्यू हो गई माइनस 5, जेड की पावर 12 प्लस 1 बाय जेड की पावर 12 आपको निकालना है। अगर एन की वैल्यू माइनस 5 है और एन क्यूब माइनस 3 एन निकालना है आपको, तो माइनस 5 का क्यूब प्लस 3 × −5, ये हो गया आपका माइनस 140। ठीक है, माइनस 140 का मतलब है यहाँ पर आपका 140 आएगा, क्योंकि जब यहाँ प्लस का साइन है तभी तो ये नेगेटिव में जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर माइनस 140 हो जाएगा, यानी माइनस 140 यहाँ पर आया तो यहाँ पर आंसर आपका प्लस 140 हो जाएगा। तो आंसर मार्क करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और देखिए अगर आपको ये वेरिएशन नहीं पता है, ये क्वेश्चन ही आपके सामने है, आप खुद सोचिएगा कि घर पर आपके सामने क्वेश्चन है और आपको सोल्यूशन निकालना है, तो फिर आपको पता लगेगा कि आपने क्या काम किया है, आपने एक्सपेक्टेड चेंजेस के हिसाब से काम ही नहीं किया, तो चेंज के हिसाब से आज काम करेंगे तब पेपर में हम चेंज को पकड़ पाएंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर।
ये आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से, आपको देखना है पावर में जो रिलेशन है वो तीन का है, इसकी पावर को तीन से गुणा करेंगे ये आएगा, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए रिलेशन तो वो लगेगा एक्स और वन बाय एक्स वाला के साथ, एक्स क्यूब और वन बाय एक्स क्यूब का जो होता है। अगर आप देखते हैं एक तरीके से, अब पावर पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको, अब आपने देखा एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू 6 है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब आपका 198 होता है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, तो प्लस कब आएगा बीच के अंदर, जब यहाँ माइनस साइन होगा, तो माइनस वन आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप घर पे नोटबुक पे नोट करिए, और आप ये देखिए कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं जो एग्जाम में आप पेपर में क्वेश्चन देख रहे हैं 17 मेंस में या 16 मेंस में इस वेरिएशन पे, तो उस क्वेश्चन में टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, आपको लगेगा कैलकुलेटिव पेपर आया, और अगर हमने इसके लिए बैकग्राउंड स्टडी पहले से किया हुआ है तो आपको पेपर में बहुत आसान लगेगा। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, पावर में आपने वेरिएशन देखा तीन का, इसकी पावर तीन से गुणा, इसकी पावर तीन से गुणा, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई, जेड और वन बाय जेड, जेड क्यूब और वन बाय जेड क्यूब, माइनस साइन है तो जेड प्लस वन बाय जेड की वैल्यू मिलेगी कितनी, माइनस का अपोजिट 6 मिलेगी, निकालनी किसकी है, जेड क्यूब वन बाय जेड क्यूब की वैल्यू 198, तो प्लस आएगा बीच के अंदर तब जाके 198 होगा, तो प्लस कब आ सकता है, जब राइट साइड में माइनस वन होगा, तो माइनस वन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन के अंदर हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी देखी जो आपको पेपर में आप देखिएगा कि सेम चेंजेस मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं ये कोशिश करूंगा 17 मेंस और 16 मेंस के क्वेश्चन लेने की, उसमें आपको केवल देखना है और आंसर मार्क करना है, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी इस सेशन की, कि जो आपको सेशन पढ़ाया गया था वो केवल इसलिए था कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पेन फ्री हैबिट बने, आप में से काफ़ी बच्चे चाहते हैं पेन फ्री हैबिट बने, 190 प्लस नंबर आए, 200 नंबर आए, पर उस चीज़ के लिए आपको आज से काम करना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं है कि अभी तक आप देख रहे हैं पेपर में ये ट्रेंड चलता आ रहा है और उसके हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, जो पेपर में चेंज आ सकता है उसके लिए आज तैयार होना पड़ेगा। तो देखिए आज के सेशन के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।